मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, बाबा वाले मीठे बच्चे। अब बाप समान देही अभिमानी बनूं, अब बाप समान देही अभिमानी बनूं। बाप की यही चाहना है, बच्चे मेरे समान बन, मेरे साथ घर में चले, मेरे समान बन, मेरे साथ घर में चले। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते, बाप की शुक्रिया गाते हो। तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते, बाप की शुक्रिया मानते हो। तुम वंडर देखते, बाबा कैसे अपनी फ़र्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखाकर लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं, शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है, बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है, रामानुसार बाबा को वर्षा देना ही है। गीता, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीता बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमात्मा है, उसको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला तो माया क्या कर सकती है। नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, माया पर कैसे विजय पानी है बच्चे सामने बैठे हैं। बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते, रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं, रूहानी बाप रूहों से बात करेंगे, आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई, आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है, कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। बाबा को देह ही नहीं तो देह अभिमान भी नहीं हो सकता, ये देह तो इस दादा की है, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आपसमान बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है, तुम्हें आपसमान बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास हुआ पड़ा है। अब बाबा कहते देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापिस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, ये मैं आत्माओं से बोलता हूँ, तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं, आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुम्हें बाबा का संदेश दे रहा हूँ, आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परमात्मा। बाबा कहते हे आत्मा ही सुनती हो, आत्मा कहती है हाँ सुनती हूँ, तुम अपने बाप को जानते हो, वह सब आत्माओं का बाप है, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता। उनको अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है, शरीर पर बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं। तुम शालिग्राम हो, बाबा का कोई शारीरिक नाम नहीं, तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। आत्मिक स्मृति में बाबा हमें टिकना सिखा रहे हैं कि हे आत्मा सुनती हो, तुमको अभ्यास करना है देही अभिमानी होकर रहने का। आत्माएं सुनती और बोलती हैं ऑर्गन्स द्वारा। बाबा बैठ आत्माओं को समझाते, आत्मा बेसमझ हो गई क्योंकि बाप को भूल गई।
बाप को भूल गई, अपने आप को भूल गई। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलते हैं, इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया एक तरफ, बाबा है दूसरी तरफ। बाबा की महिमा गाई हुई है, ओहो प्रभु तेरी लीला, ओहो मेरी मत जिससे गति सदगति मिलती है। शिव बाबा की श्रीमत से गति सदगति मिलती, सदगति दाता एक है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं, ये एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। बाबा कहते हैं साधु संतादि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना होता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और कोई कह ना सके कि तुम आत्माएं मेरी ही संतान हो, ये शब्द बाबा ही कहते हैं कि तुम आत्माएं मेरी ही संतान हो। वो तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। ये तो खुद बाप कहते हैं मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गाय ने भक्तों का रखवाला भगवान एक, सब भगत हैं तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की क्या दरकार है। बाबा समझाते अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते हैं, लेकिन यथार्थ नाम है सदाशिव। कोई किसकी ग्लानी करते हैं, डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु ये है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाबा जानते तुम दुखी हुए हो फिर भी ये होगा, गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, ये वो कह ना सके। कोई भी शास्त्र पढ़ने वाले ये बात नहीं कह सकते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये बात वो कह ना सके। वो तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़ के सुनाते हैं। अब तुम अनुभवी हो, जानते हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं, तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाबा कहते अगर सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो, ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई आत्माएं समझते हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ, 5 वर्ष पहले वाला। बाबा कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है, सत्युग है सुख धाम। हे आत्माएं तुम सुख धाम में थी, तुमने ही 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजोत्तमो में आना ही है। हर एक आत्मा को भिन्न भिन्न अवस्थाओं से पार करना ही है। अब फिर चलें वापस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो, महाराजा महारानी बनेंगे या दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। चलना है सत्युग में तो क्या बनना है, महाराजा महारानी या दास दासी, ये बात करनी चाहिए। उमंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान सागर, वह कभी अज्ञान का सागर नहीं बनता। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना, आत्मा को समझाया तब जाता जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े किसको समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ पतित दुखी हैं। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठकर सुनेंगे। सावकारों को तो अपना नशा रहता है, उनमें कोई विरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक हैं। जनक राजा ने सब दे दिया, हम सब ने भी अपना बुद्धि से सब बाबा को दे दिया। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आपका कितना शुक्रिया माने, ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते, भक्ति में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से
स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामानुसार बाबा को आकर राजयोग सिखाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब हम वंडर खाते हैं, बाबा ने क्या खेल दिखाया, आगे तो हम जानते नहीं थे। अब जाना है, क्या बाबा हम फिर से ज्ञान ये भूल जाएंगे? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा, अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे, फिर भक्ति में मैं पार्ट बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं। सत्युग त्रेता में प्रारब्ध भोगते हैं, द्वापर में हम बुलाना शुरू करते हैं, फिर बाबा संगम पर आते हैं ज्ञान देने के लिए, तब वो ज्ञान इमर्ज हो जाता है, हम बच्चे भी भूल जाते हैं, फिर इमर्ज होता है आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते, मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। मुख्य बात तो ये है, बाप और वर्षे को याद करो, कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार, कल्प कल्प आप बच्चे वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज करके समझाते, बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है, अब फिर तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा ने पैगाम दिया है, मुझे याद करो, सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सदगति दाता है ना, सब पे दया करने वाला अर्थात सब पे रहम करने वाला बाबा है, सब पे दया करने वाला, रहम करने वाला। सत्युग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो अब कयामत का समय हुआ है, दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से, दुख के जो भी हिसाब किताब हैं योग बल से चुकतू करने हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की याद में वो ताकत है, हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। ज्ञान और योग बल से हमें भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है, जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे, दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अब हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकतू करते हैं, दूसरी तरफ जमा करते हैं, ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन देकर गुणवान बनाते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है, एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं, एक ही बाप है जो गीता ज्ञान देते हैं इतना ऊंच बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते, दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं हैं नहीं, कहाँ गए? तब सब 84 जन्म लेते तो कैसे लेते हैं, किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले लेते हैं, मनुष्य समझते लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तू ही तू। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया। भक्ति का फल तो देता ही है भगवान, सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वो फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है नहीं, जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए, वह भी आएंगे, ये समझने की बातें हैं। बहुत सी आत्माएं जो सन्यास धर्म में चली गई, बाबा कहते वो भी आ जाएंगे, ये भी समझने की बातें हैं। बाबा समझाते प्रैक्टिस रखो कि मैं आत्मा हूँ, खूब प्रैक्टिस करो, देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आधार पर शरीर खड़ा है, शरीर तो विनाशी है आत्मा अविनाशी है, पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ ना सके, ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट छोटी सी आत्मा में है, ये अविनाशी पार्ट छोटी सी बिंदी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है,
पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप तक का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है, सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, आत्मा को सुना रही हूँ, बाबा का संदेश दे रही हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजयमाला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजयमाला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले या चले, आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सबको सुख देगा, सुख लेगा। श्रेष्ठ भाव वाला सुख देगा, सुख लेगा, ये भी सेवा है, तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयमाला के मणके बन जाते हैं। ऐसे शुभ भाव में रहने वाले, श्रेष्ठ भाव धारण करने वाले माला के मणके बन जाते हैं। श्लोक ने कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।